की घूंघट की आन से और दिल भर का ये प्यार अधूरा रहता है। और जब तक ना पड़े आशिक की नजर तो सिंगार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर जी, पहली लाइन में लिखा जब तक ना पड़े आशिक की नजर। आशिक माने पति, पति के लिए माताएं श्रृंगार करती हैं। मेरी बात सुनिए, जो निसंतान व्यक्ति है जिनके संतान नहीं है उनके लिए गीत लिखा है चाचा जी। की संसार में निसंतानों का और संसार अधूरा रहता है। और जब तक ना खिले और गोदी में ललन तो परिवार अधूरा रहता है। जब तक ना खिले गोदी में ललन तो परिवार अधूरा रहता है। एक और टुकड़ा सुनिए, क्या अधूरा रह रहा है। अभी 1 नवंबर को एक त्योहार आने वाला है, शायद माताएं जानती होंगी। नहीं, बता रहे हैं, माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, चंद्रमा का दर्शन करती हैं, लेकिन ये व्रत कब तक पूरा नहीं होता है सुनिएगा। कि चंद्र दर्शन मिले तो भी व्रत का और आधार अधूरा रहता है। और जब तक ना छुए पत्नी पत के चरण तो त्योहार अधूरा रहता है। कि संसार में निसंतानों का और संसार अधूरा रहता है। और जब तक ना खिले अरे गोदी में ललने तो परिवार अधूरा रहता है। आज मैया बा चलने का दूसरा विवाह कर लो, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिनके दो विवाह हुए वो तबाह हो